हेलो दोस्तों, तो आज हम विजिट करने वाले हैं कैंपस लॉ सेंटर को। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हो चुका है पर कैंपस लॉ सेंटर को अभी तक विजिट नहीं कर पाए हैं। तो ये लोकेटेड है उस पर्टिकुलर रोड पे जो कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर रही है कमला नगर वाले एरिया से। तो कैंपस लॉ सेंटर के गेट में घुसे उससे पहले देख लेते हैं एक स्टैट्यूटरी वार्निंग को, जिसमें लिखा है कि बिना मास्क के अंदर आना सख्त मना है। पर अगर हम गार्ड साहब को देखते हैं हमारे कैंपस लॉ सेंटर के, तो बिना मास्क के आराम से टहल रहे हैं। तो बस इतना सा ही फर्क होता है लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का और थ्योरेटिकली पढ़ने का, जो कि आप सीखेंगे जैसे जैसे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। तो ये रीजन है दोस्तों कैंपस लॉ सेंटर का। लेफ्ट साइड पे वो पोर्शन है जहाँ पे आप अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं, चाहे बाइसिकल हो, कार हो या बाइक हो। और ये वो कॉरिडोर वाला रीजन है जहाँ पे जब एग्जाम का टाइम होता है तो काफी स्ट्रेस से भरे हुए चेहरे नजर आते हैं आपस में डिस्कशन करते हुए, तो उस समय पे एक एरिया बिल्कुल भरा रहता है। और हम सामने देख पा रहे हैं कैंपस लॉ सेंटर की मेन बिल्डिंग को। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है पर दोस्तों बिल्डिंग पुरानी होने से क्या ही होता है, अल्टीमेटली जो बात मैटर रखती है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए फैकल्टी ऑफ लॉ काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों अब हम विजिट कर रहे हैं ऑडिटोरियम वाले रीजन को कैंपस लॉ सेंटर के, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर इंटरनली देखते हैं तो अभी हालत थोड़ी खस्ता है क्योंकि बहुत टाइम से क्लासेस कंडक्ट नहीं हुई है, पर विद टाइम ऑफ कोर्स इट विल इम्प्रूव एज द क्लासेस विल स्टार्ट। और ये है हमारे बाहुबली दोस्त आशीष मिश्रा, जो कि हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं पूरे कैंपस लॉ सेंटर का। और ये वो रीजन है जहाँ पे अगर आपको कोई भी मार्कशीट इशू करानी है या कॉलेज आईडी बनवानी है और सीएलसी से आप हैं तो आपको इन ऑफिसेज में आना पड़ेगा। दोस्तों कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें से एक है लीगल एड सोसाइटी, जिसका काम होता है सोसाइटी में फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करना। उसके साथ ही साथ एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको इनरोल करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है मूड कोर्ट सोसाइटी। क्योंकि मूड कोर्ट अगर आप अटेंड करते हैं या फिर आप उसमें पार्ट लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कैसे आपको कुछ भी ड्राफ्ट करना है और कैसे आपको आर्ग्यूमेंट करने होते हैं कोर्ट में। उसके साथ ही साथ लीगल सर्विसेज क्लिनिक भी है कैंपस लॉ सेंटर में। और अब हम चलेंगे लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो बच्चे जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद कुछ ताल्लुकात नहीं रह जाता है उस वाले पोर्शन से, तो है लाइब्रेरी वाला रीजन। और लाइब्रेरी के टाइमिंग्स दोस्तों इस बोर्ड पे दिए गए हैं, तो आप चाहें तो लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं, जिसका टाइम है सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक। दोस्तों ये है अंदर से लाइब्रेरी कैंपस लॉ सेंटर की। कुछ होनहार छात्र अभी भी यहाँ पर पढ़ रहे होंगे पर हम जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों कैंपस लॉ सेंटर में ही ऑफिस है LC1 का, तो अगर आपको LC1 से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आपको इस ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। और यह है कैंटीन का रीजन, यहाँ पे कई बार लोग पढ़ भी रहे होते हैं, कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप कैंपस लॉ सेंटर के गेट में घुसते हैं तो लेफ्ट साइड पे बुक स्टॉल है जहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं, जुडिशियरी की भी, सेमेस्टर की भी। पर यहाँ पे जो दुक्की मिलती है वो दोस्तों सिंगल्स की मिलती है। सिंगल्स की दुक्की तब मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको इन डेप्थ जाके पढ़ना है। वैसे ही एक और दुक्की होती है जिसका नाम है AK जैन, जो आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और ये हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के होनहार छात्र दुर्गेश मिश्रा। और दोस्तों AK जैन जिसकी दुक्की के बारे में बात कर रहा था, वो अगर आपको चाहिए तो वो कैंपस लॉ सेंटर के गेट के बाहर ही भैया हैं जिनका बुक स्टॉल है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं AK जैन की दुक्की अगर आप खाली एग्जाम रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं। पर अगर आप इन डेप्थ जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंगल की दुक्की को परचेज कर सकते हैं। तो अब वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों अंकल की मुस्कान के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।